बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोले भूगर्भ से प्रकटे श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, दीपावली महापर्व की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सनमति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आज दीपावली पर्व है, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, शक्ति के साथ, खर्चे के साथ। क्यों हंस रहे हो? ज़्यादा खर्चा करवाया क्या इस बार? नहीं करवाया है। खर्चे के साथ, लड्डू चढ़ाने के साथ दीपावली मनाई। कितने हो गए? बहुत सारे कारण हो गए ना, भक्ति, उत्साह, शक्ति, खर्चा है, सबके साथ में दीपावली पर्व। तीर्थ यात्रा, आप दिवाली के दिन यहाँ विराजमान हैं तो तीर्थ यात्रा को और जोड़ना पड़ेगा कि तीर्थ यात्रा के साथ में आज आपने दीपावली पर्व मनाया। आज के दिन भगवान का निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण, तीन शब्द हैं, लोग मिक्स कर देते हैं। निर्माण को निर्वाण बोल देते और निर्वाण को निर्माण बोल देते हैं। तीनों शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से? निर्वाह, निर्माण और निर्वाण, है ना। निर्वाह, निर्वाह चारों गति के जीव कर लेते हैं। निर्वाह का मतलब है जीवन यापन। निर्वाह का मतलब है जन्म लिया है और जीवन यात्रा बिना किसी उद्देश्य के आयु कर्म के साथ में पूरी करती है। बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे ये पता नहीं है, जीवन है इसलिए जी रहे हैं। तो जीवन यापन पूरा कर दिया, क्यों जी रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य भाव क्यों मिला है, पशु कैसे होते हैं, पक्षी कैसे होते हैं, देवता कैसे बनते हैं, नरक में कैसे जाते हैं, कोई जानने की जिज्ञासा नहीं है। केवल जन्म लिया है, शरीर को जितने, आत्मा को जितने दिन शरीर में रहना है उतने दिन की क्रिया पूरी कर ली और मृत्यु तक पहुँच गए, यानी एक घाट से दूसरे घाट तक पहुँच गए, एक घाट से दूसरे घाट तक पहुँच गए तो निर्वाह हो गया जीवन का। नरक के जीव जो होते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं, स्वर्ग के जीव होते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं, पशु पक्षी हैं वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी करते कि नहीं करते हैं। भाई बीच में एक्सीडेंट हो जाए बात अलग है, लेकिन पूरी तो करते हैं ना। उनके पास घर नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास में आपके जैसे कपड़े नहीं है, आपके जैसे कोई चीज़ नहीं है, फिर भी अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। जन्म के घाट से मृत्यु के घाट तक का सफ़र पूरा कर लेते हैं। तो यानी मात्र जीना, केवल जीवन पूरा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। केवल जीवन पूरा करना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य बने जैसे पशुओं ने जीवन पूरा किया, मनुष्य थोड़ा सा ऊपर उठ गया। पशुओं के पास में इंद्रिय भोग के सामान नहीं है, पशुओं के पास में सुख के साधन नहीं है, मनुष्य के पास में थोड़े से साधन आ गए, मनुष्यों के पास में थोड़े से साधन आ गए। वो गाड़ी में बैठ के घूम सकता है, सर्दी लगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता है, गर्म कपड़े पहन सकता, गर्मी लगे तो गर्मी के कपड़े पहन सकता है, बारिश आए तो छाता लगा सकता है, हैं रात को सोना हो तो गद्दा बिछा करके अपने मकान में दरवाज़ा बंद करके सो सकता है, कोई उसे मारे तो हथियार चला सकता है।
तो इतनी थोड़ी सी उन्नति मनुष्य ने कर ली है, लेकिन इससे अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। पशु गति में निर्वाह तो है, निर्माण नहीं है। पशु गति में निर्वाह तो है, निर्माण नहीं है। देव गति में निर्माण कर सकते हैं, मगर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना वैभव स्वर्ग में भरा पड़ा है, उन्हें जरूरत ही नहीं है निर्माण करने की। वो आराम से इतना मिल जाता है कि तृप्त हो जाते हैं, तो वहाँ जरूरत नहीं है निर्माण की। नरक गति में संभावना नहीं है, वहाँ सुख के साधन की संभावना नहीं है, और वहाँ योग्यता भी नहीं है निर्माण की। पशु गति में भी निर्माण की योग्यता नहीं है। तो तीन गति के जीवों ने निर्वाह किया। क्या किया? निर्वाह किया, निर्माण वहाँ पर नहीं हुआ। अब आओ मनुष्य गति में। मनुष्य गति के जीव निर्वाह भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं, और निर्वाण को प्राप्त भी कर सकते हैं। यह है मनुष्य शरीर की क्वालिटी, यह मनुष्य भाव का पुरुषार्थ, और वो फल भगवान महावीर ने आज के दिन प्राप्त किया था। उन्होंने निर्माण नहीं किया, उन्होंने निर्माण मनुष्य करते ही है, परिवार का निर्माण करता है, एक से दो होते हैं, दो से चार हो जाते हैं, परिवार का निर्माण हो गया। अब परिवार का निर्माण हो गया तो मकान चाहिए, तो मकान का निर्माण कर लेता है। अब मकान, घर में रहने के लिए मकान के साथ साथ और चीज़ें चाहिए तो उनका निर्माण करवा लेता है। अब परिवार के जीवन यापन के लिए दुकान चाहिए तो दुकान का निर्माण करवा लेता है। हैं, एक से दो मकान हो जाते हैं, दो से चार मकान हो जाते हैं, एक दुकान से दो दुकान का निर्माण कर लेते हैं, दो दुकान से पूरा मार्केट का निर्माण कर लेते हैं। बड़ा बड़ा निर्माण करते हैं लोग, बड़े बड़े बिल्डर बन जाते हैं निर्माण करने वाले। निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। निर्माण कर लिया दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का, मशीनों का, जितनी संसाधन के उपयोग की वस्तुएं हैं उन सब का निर्माण कर लिया, तो तीन गति से मनुष्य गति थोड़ी सी ऊपर आ गई, थोड़ा सा भाई क्वालिटी है, उस क्वालिटी का उपयोग भी कर लिया। लेकिन निर्माण के साथ साथ निर्वाण के लिए सोचा कि नहीं सोचा है कि एक दो से चार हुए, चार से आठ भी हो सकते हैं, है ना, और उसी जाल में ही निकल गए, उसी की चिंता में ही निकल गए। उससे ज़्यादा हमारी सोच बाहर गई नहीं, हम निर्वाण तक पहुँचे ही नहीं, हमारी सोच निर्वाण तक गई नहीं। हमने कभी चिंतन ही नहीं किया कि हम निर्वाह और निर्माण से आगे भी जा सकते हैं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो ये निर्माण और निर्वाण दोनों मनुष्य गति में संभव है। कौन सी गति में संभव है? मनुष्य गति में संभव है। लेकिन मोह और माया में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि बेचारा जैसे दलदल होता ना है, एक बार घुस गए तो निकल नहीं पाता है। उस दलदल में घुसने के बाद तो फिर भी निकलने की चेष्टा करता है, मगर मोह और माया का दलदल तो ऐसा है कि उसे ही अपना समझ लेता है। सोचता यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, उससे आगे सोच ही नहीं जाती है। दलदल भी इतना अच्छा है, है ना, अच्छा है ना। अरे बोलिए ना, अच्छा है ना। ओह क्या बात है, अब आपने समर्थन भी कर दिया कि अच्छा है। अब तो सोच जा ही नहीं सकती निर्वाण तक, कम से कम रह रहे हैं मोह माया में रहो, लेकिन उसके आगे भी सोचो कि नहीं ये सही नहीं है, सही तो निर्वाण है। श्रद्धा निर्वाण की होनी चाहिए, जमीन पर रहो मगर विचार आकाश के रखो, जमीन पर रहो मगर विचार उच्चता के रखो। विचार तो ऊंचे कर ही सकते हो, तुम धरती को छोड़ नहीं सकते हो, मगर विचारों से तो ऊपर जा सकते हो। अब रह रहे हैं धरती पर और विचार भी नीचे, नहीं, विचारों से मोक्ष की कामना करो, विचारों से मोक्ष के भाव बनाओ कि एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जहाँ से मोक्ष का पुरुषार्थ किया जा सकता है। कोई अन्य गतियों में मोक्ष का पुरुषार्थ, निर्वाण का पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है, और हमने यहाँ आकर भी नहीं किया तो हम कहाँ जाकर के करेंगे। मेरी बात सही लग रही है आपको? अरे बोलिए ना, कहना माता जी थोड़ी देर तो लग रही है, हैं, और थोड़ी देर के बाद में फिर वही अपनी मोह माया शुरू, फिर उसी में लीन हो जाएंगे,
भगवान महावीर हैं, भक्त सो रहा है, भगवान ने जगाया, भगवान जरा मुड़े वो फिर सो गया, भगवान ने फिर जगाया। मतलब कि एक बच्चा था, तो माँ ने उसे जगाया, बेटा 6 बज गए, उठ जा, तुझे स्कूल जाना है। उसने आँख खोली, घड़ी देखी, अरे माँ अभी 6 ही तो बजे हैं, क्या अभी इसे जगा दिया, मेरी नींद खराब कर दी, अभी स्कूल भी तो 7 बजे जाना है, आराम से उठ जाऊँगा, मुझे अब मत जगाना। अब माँ तो माँ है, नहीं मानी, 6:30 बजे फिर पहुँच गई, बोले बेटा उठ जा, यदि तू अभी भी नहीं जागेगा तो तू लेट हो जाएगा। अरे माँ 6:30 तो बजे हैं, सोने क्यों नहीं देती हो, मुझे परेशान करती हो। अब वो बच्चा फिर सो गया, माँ अपने काम में लग गई। 7 बजे फिर माँ पहुँची जगाने के लिए, बेटा अब भी उठ जा, अभी नहीं जागा, देख तेरे साथी बाहर से स्कूल के लिए देख चल जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और अभी नहीं गया तो तू अज्ञानी रह जाएगा, तेरा ज्ञान नहीं हो पाएगा तुझे, तू अशिक्षित रह जाएगा, तू बिना पढ़ा लिखा रह जाएगा, बेटा उठ जाग, स्कूल जाना है तुझे। उसने कहा माँ क्यों परेशान करती हो, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या पढ़ना है, मुझे तो नींद आ रही, मुझे सोने दो, माँ बाधा मत डालो मेरी नींद में। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अभी उस बच्चे वाली तो आई है, अभी दूसरी वाली नहीं आई, मैं समझाती हूँ। अब जैसे आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान आए, शायद हम भी उस काल में यहाँ पर होंगे, हो सकता है हम भी होंगे। भगवान महावीर ने कहा चलो मोक्ष में चलो, हमने कहा भगवान अभी तो पूरा चतुर्थ काल पड़ा है, आराम से चले जाएंगे, अभी तो शुरुआत है चतुर्थ काल की, मोक्ष ही तो जाना है, चतुर्थ काल में मिलना अभी तो बहुत लंबा है ये चतुर्थ काल, मैं आराम से चले जाएंगे, हम नहीं गए मोक्ष। उसके बाद फिर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, 24 अन्य तीर्थंकर होंगे, हम फिर भी नहीं गए मोक्ष, उन्होंने कहा होगा हमसे, हम फिर भी नहीं गए मोक्ष। और जब भगवान महावीर आखिरी में गए, उन्होंने हमसे कहा चलो भक्त मोक्ष, तो हमने कहा होगा भगवान क्या मोक्ष मोक्ष लगा रखा है, अरे हमें तो यहीं मज़ा आ रहा, मोह माया ही में मज़ा आ रहा है, यहीं के कष्ट, यहीं के दुख, यहीं की पीड़ा ही अच्छी लग रही है, हम तो इसी के साथ ही रहेंगे, हम इसके बिना, हमें अच्छा मोह कह रहा है, कौन कह रहा है, मोह कह रहा है। और भगवान महावीर आखिरी में मोक्ष गए, और हम उनके साथ भी मोक्ष नहीं गए, इसीलिए आज भटक रहे हैं, इसलिए आज दुनिया में दर दर में घूम रहे हैं, हम महसूस नहीं करते हैं, जबकि दुखों से भरे पड़े हैं हम, क्या सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन मोह हमें मोक्ष की तरफ देखने नहीं देता है। जब तक मोह कम नहीं होगा, तब तक मोक्ष देखने की भावना ही पैदा नहीं होगी, धर्म करने की भावना ही पैदा नहीं होगी। धर्म करने की भावना कब पैदा होगी? जब मोह थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो निर्वाण लड्डू, सारे भारत में आज निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया, भगवान महावीर मोक्ष गए हैं। आप पूजा करते हैं, पूजा करते हैं ना, जल क्यों चढ़ाते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्पामति स्वाहा। चंदन क्यों चढ़ाते हो? संसार ताप विनाशना है चंदन निर्पामति स्वाहा। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? हाँ जी नरेन जी, अक्षत क्यों चढ़ाते हो? हाँ बहुत बढ़िया, अक्षय पद पाने के लिए। कौन सा है अक्षय पद? जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षय किसका नहीं होता भाई? यहाँ से तो सबकी टिकट कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी? आज आप इस शरीर में रह रहे हो, तो क्या अनंत काल तक इस शरीर में आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, तो एक दिन इस शरीर से टिकट कट के दूसरे शरीर में चले जाएंगे, दूसरे से। ये क्षयवत पद है। कौन सा है? ये क्षयवत है, ये क्षय हो जाएगा। लेकिन एक बार यदि मोक्ष में चले गए, तो फिर वहाँ से लौट कर नहीं आने वाले, वहाँ से कोई भगाने वाला नहीं, और वो कभी पुराना भी नहीं होता है। तो अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्पामती स्वाहा। पुष्प क्यों चढ़ाया? काम बाण विनाश के लिए। नैवेद्य क्यों चढ़ाया? क्षुधा रोग विनाश के लिए, है ना। दीप क्यों चढ़ाया? मोह अंधकार विनाश के लिए। धूप क्यों चढ़ाया? अष्टकर्म नाश के लिए। अर्घ क्यों चढ़ाया? अनर्घ पद के लिए। लड्डू क्यों चढ़ाया? लड्डू क्यों चढ़ाया? अरे बोलिए ना, निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए। भाई क्या आज आपने निर्वाण की भावना, लड्डू चढ़ाते हुए भगवान से आपने प्रार्थना की कि भगवान जैसा निर्वाण आपका हुआ है वैसा मेरा भी हो,
जैसे मोक्ष आप गए हो वैसे मैं भी मोक्ष जाऊं, जैसे आपने आठों कर्मों का नाश किया है वैसे मेरे भी आठों कर्मों का नाश हो। क्या लड्डू चढ़ाते समय ये भावना आपके मन में आई? वो तो मैंने बोला था इसलिए आई, वो तो मैंने चुप कर दिया था, मैं चुप ना करती तो उतने ही में लड्डू ए वहाँ ना आज मैंने वो वाले कपड़े पहन के ही अर्घम निर्पामती स्वाहा, ऐसा लड्डू चढ़ता आपका यदि मैंने आपको मतलब सावधान करके चुप करके लड्डू ना चढ़वाया होता तो। ए तू भी आगे आज अर्घम निर्पामती स्वाहा, बताओ लड्डू कैसे चढ़ाना चाहिए, किन भावों से चढ़ाना चाहिए, हर साल लड्डू कैसे चढ़ता है? और बहुत सी जगह तो ऐसा है कि पीछे से लड्डू यूं फेंक देते हैं, आगे आगे पहुंच नहीं पा रहे, भीड़ ज्यादा है तो वहीं से फेंक देते, कहीं किसी के सिर में जा रहा, कहीं किसी के सिर में जा रहा, मतलब लड्डू चढ़ाने का मतलब ही नहीं पता है। हम सारे काम तो बड़े मतलब के करते हैं, केवल धर्म के काम में मतलब नहीं निकालते कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, लड्डू भी चढ़ाते हैं तो उसमें कोई भावना नहीं है। हाँ गए भगवान मोक्ष से, ठीक है चले गए, हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर हमेशा से लड्डू चढ़ता आ रहा है दिवाली के दिन तो हम भी लड्डू चढ़ा लेते हैं, बस हमें इतना सा है, इससे ज़्यादा दिवाली नहीं है। अरे दिवाली तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसके जैसा दूसरा त्यौहार नहीं है। यदि दिवाली समझ में आ जाए तो आत्मा में उजाला हो जाए, अभी आत्मा में अंधेरा है, इसलिए क्रोध मान माया लोभ के मच्छर काट रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी की चींटियाँ काट रही हैं, राग द्वेष मोह की मधुमक्खी काट रही है, और इतने काटने के, अच्छा काटने की नहीं काट रही, अच्छा बताओ हैं, आपको कभी घर में किसी ने नहीं काटा, काटने मतलब दांत से नहीं बातों से काटा कि नहीं काटा, अरे बोलिए ना, काटा है, दर्द हुआ है, अच्छा दर्द होने के बाद फिर क्या किया आपने, फिर सामने वाले ने थोड़ी सी मरहम लगा दी, फिर शुरू हो गए, फिर काटा फिर शुरू हो गए, फिर काटा फिर शुरू हो गए, सारी जिंदगी ऐसे ही मधुमक्खियाँ काटती रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इस संसार से निकलने की भावना नहीं करते हैं, इस संसार से निकलने की भावना मन में आती नहीं है, और भगवान महावीर के मन में आई तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राग और मोह ऐसी चीज है कि इसकी भावना नहीं आने देता। अब भगवान महावीर ने तो परिवार का निर्माण भी नहीं किया, उनको महलों का निर्माण करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि देवता उनके सेवक थे, देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे, इसलिए महल मकान का तो निर्माण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके पिताजी राजा थे तो पहले से उनके पास में राज्य था, सब कुछ था उनके पास में, तो ये बाह्य वस्तुओं के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ी उन्हें करने की, और निर्वाह करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। एक चींटी को क्या मेहनत लगती है जीवन जीने में बताओ, भाई जन्म लिया, नाक में खुशबू आई कि वहाँ चीनी रखी है, पहुँच गए वहाँ तक चीनी उठा लाए, अपने बिल में रख ली, खा ली, ऐसे ही आते जाते रहे, घूमते रहे, जीवन पूरा हो गया। एक चींटी को जीवन जीने में कोई मेहनत लगती है क्या? नहीं लगती है, है ना? एक कुत्ते को क्या मेहनत लगती है? ना कमाने की चिंता, ना शाम को खाने की चिंता, ना कपड़े की चिंता, ना ज्वेलरी की चिंता, ना प्लॉट की चिंता, ना मकान की चिंता, ना फैक्ट्री की चिंता। अब बता कुत्ते को कोई मेहनत लगती है जीवन जीने में? मेहनत तो लगती है, जब कोई डंडा मारता है ना तो भागना पड़ता है जीवन को बचाने के लिए, किस लिए? जीवन को बचाने के लिए। अरे मारना दे, मरना चाहूँ मैं, एक कुत्ता भी भागता है, एक बिल्ली भी भागती है, केवल जीवन को बचाने की मेहनत है, बाकी जीवन के निर्माण की कोई मेहनत नहीं है। लेकिन मनुष्य पर्याय में निर्माण के साथ साथ निर्वाह की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो हमारा सारा निर्माण यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। एक बाबूजी ने 70-75 साल की उम्र में खूब पैसा इकट्ठा करके बढ़िया सी कोठी बनवाई, करोड़ों की कोठी बनवाई, और कोठी बनवाने के बाद इत्तेफाक से आयु कर्म पूरा हो गया, वो उसमें रह ही नहीं पाई। अब जब रह नहीं पाई तो जिससे प्रेम करोगे वहीं भटकना पड़ेगा। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, पहले के लोग धन से प्रेम करते थे तो मर करके क्या बनते थे? धन के ऊपर नाग बन के बैठते थे, ठीक है? जो लोग मकान से प्रेम करते हैं वो छिपकली भी बन जाते हैं, हैं? और जो लोग नोटों से प्रेम करते हैं, अब धन नीचे तो दबाया ही नहीं जाता, नोट रखे जाते हैं,
तो नोटों से ज़्यादा प्रेम करो तो नोटों में भी कीड़े बहुत हैं, छोटे छोटे से बैक्टीरिया बहुत होते हैं नोटों में, तो उसके कीड़ा बन जाओगे। अब वो पिताजी मर करके व्यंतर बने, और व्यंतर बने क्योंकि अब उन्होंने कोई भगवान का नाम तो लिया नहीं था, सारी जिंदगी उन्होंने केवल धन कमाने में लगाई, परिवार में लगाई, और अंत में कोठी बनाई और चले गए। अब कोठी कोई साथ में तो जाने वाली है नहीं कि सारी जीवन की कमाई तुम्हारे साथ में चली जाए। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये व्यवस्था कि इंसान के साथ में ना तो कुछ आता है और ना कुछ जाता है। यदि उसके साथ जाने की परंपरा होती तो क्या होता, सोचो, बताओ मुझे, कोई उत्तर दे मेरी बात का। यदि इंसान के साथ कमाई, दौलत, जमीन, मकान, उसके साथ जाने की परंपरा होती तो क्या होता? आप सोचते ही नहीं हो। होता ही हो कि आपके लिए कुछ नहीं बचता, होता ही हो कि आपके लिए कुछ नहीं बचता। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान के साथ में कुछ भी नहीं जाता। अब वो बाबूजी ने कोठी बनाई, अब वो तो चले गए ऊपर, अब आसक्ति पड़ी थी कोठी में, मर करके व्यंतर बन गए। अब व्यंतर बने तो कोठी में घूमने लगे, अब कभी बच्चे को दिखते, कभी बेटे को दिखते, कभी बहुओं को दिखते। अब बच्चों को तो गुस्सा आने लगा, आना चाहिए क्या? बोलिए, कोठी किसने बनाई? दादाजी ने। दादाजी ने किसने बनाई? दादाजी ने। अब शरीर ही तो गया, आत्मा तो वही है ना, शरीर ही तो गया है, आत्मा तो वही है। अब वो आत्मा यदि इस घर में रह रही है तो घर वालों को दिक्कत होनी चाहिए क्या? देख लो, आपके दादाजी आ जाए फिर क्या करोगे? व्यवस्था करवाओगे, जाओगे झाड़ने फूकने वाले के पास में। आजकल हमारे दादाजी घर में दिखते हैं, निकालो ही ना घर से। अब वो झाड़ने फूकने वाले के पास गए तो वो उन्हें जानता था, उनके भावों को जानता था। तो उसने कहा, देख भाई, पिताजी ने बड़े मेहनत से कोठी बनवाई है, अब रहने दे, यदि रह रहे, आ रहे जा रहे, आने दे, कोई दिक्कत क्या है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। किसके लिए कह रहे? जिसने कोठी बनवाई है, बनाई है खुद ही, बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। बोले अच्छा, चल एक काम कर, एक ऊपर वाला जो कमरा है ना, छत पर जो कमरा बना है, उस पर पिताजी का नाम लिखवा देते, दादाजी का नाम लिखवा देते हैं, और उसमें लिख दो कि दादाजी आप इसी कमरे में रहा करो, नीचे मत आया करो। बोले नहीं, एक कमरा भी नहीं दूंगा। क्या कहा? किसने कहा? बेटे ने कहा। किसने कहा? बेटे ने कहा कि पिताजी को एक कमरा भी नहीं दूंगा। कोठी किसकी, मेहनत किसकी है भाई? घर में तीन पीढ़ी है तो एक के पिताजी हुए, एक के दादाजी हुए। अब मेहनत किसने की? अब घर से कौन निकाल रहा है? अरे बोलिए ना, बेटा निकाल रहा है। चलो, उस पिताजी को तो उनका बेटा मरने के बाद निकाल रहा है, लेकिन आजकल के समय में तो जिंदा में निकाल देते हैं। निकलो तुम घर से, बहुत जी लिए तुम इस घर में, अब हम रहेंगे इस घर में। जहाँ इतने दुख देते हैं कि कई बार तो वो बेचारे, बहुत खबरें आती हैं कि दादाजी भाग गए, यहाँ ढूंढने आते हैं लोग। और ये किसी एक की कहानी नहीं, बहुत घरों की कहानी है। दादाजी चले गए, दादाजी कहाँ चले गए, बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ? क्यों मजबूरी आई उनके जीवन में कि बुढ़ापे में वो भाग गए? बदनाम और कर देते, पिताजी भाग गए, इतना परेशान किया कि पिताजी को घर छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये स्थिति यहीं के यहीं देखने मिल जाती है, इतने के बाद भी वैराग्य ना आए। बोलिए ना, इतने के बाद भी वैराग्य ना आए तो धर्म हमें मिला क्यों है? धर्म का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? हम सब चीज का उपयोग करते हैं, थोड़ा धर्म का भी तो उपयोग करें। आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वैराग्य ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। भगवान तो चले गए, जाओ भगवान, तुम्हें आप दुख से डर के भाग गए,
हम नहीं डरने वाले, दे दो चाहे जितना देना हो। उसमें पढ़ते ना बिनती में, तुमसे लागी लगन की बिनती में, जग के दुखे की तो परवा, स्वर्ग सुखे की भी। बोलिए जोर से बोलिए, जग के दुखे की बस, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। भगवान आप दुख से डर के भाग गए, हम नहीं भागने वाले, कोई परवाह नहीं है हमें। और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मिलना ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे स्वर्ग जाने के। इसलिए पहले कहते भगवान स्वर्ग की चाह नहीं है, नहीं चाहिए मुझे है? नहीं, ये बात जो मैंने अभी बताई इस हिसाब से नहीं लिखी है। ये बात जिस लेखक ने लिखी है वो सम्यक दृष्टि के हिसाब से लिखी है कि सम्यक दृष्टि जीव जग के दुखों की परवाह नहीं करता और स्वर्ग सुख की चाह नहीं करता और बिना चाह के वो धर्म करता है। ये बात इसलिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दूसरे तरफ से समझाया और आप वैसे ही समझ गए। आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है कि आपको जो समझाया जा रहा है क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। आपको लगा अच्छा ये बोल रहे बिल्कुल सही, हाँ सही है, ये बोल रहे अच्छा ये भी सही, अच्छा ये भी सही लग रहा, आपको ये ही नहीं पता कि सही है क्या। तो हमारा जीवन जा कहाँ रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है जीने का, हमारा लक्ष्य क्या है जीने का। हमें धर्म चिंतामणि रत्न के समान मिला है, हम इसका उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं घर नहीं छुड़वा रही आपका, आपका परिवार नहीं छुड़वा रही हूँ, आप घर में रहो, लेकिन घर में रहकर भी कम से कम जिंदगी को इतना क्वालिटी, इतनी योग्यता पैदा कर लो कि अपने अंदर ये भी पता चले कि अब मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण आ रहा है, इसे सार्थक कैसे बनाना है और वर्तमान समय सार्थक कैसे बनाना है। यदि नहीं किया तो निर्माण में ही जीवन चला जाएगा, निर्वाण तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि निर्वाह और निर्माण करने वाला भाव भाव में भटकता है, लेकिन निर्माण से आगे निर्वाण में पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समय हो गया, हाँ जी भाई साहब, मैंने क्या बोला अभी? नहीं, दिवाली की शुभकामनाएं। भाई बात में दे देना, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आपके लिए बता रही हूँ। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, तत्वों में साथ का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का और तीर्थंकरों में महावीरा का, धनुष में बाण का, धनुष में बाण का, जंगल में झाड़ का और आज के दिन भगवान के निर्वाण का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आज के दिन दिवाली का। अमावस के दिन मोक्ष गए तो दिवाली हो गई। कौन से दिन मोक्ष गए? अमावस के दिन। यदि कोई हमारे यहाँ चला जाता है ना अमावस के दिन, यानी दिवाली के दिन कोई चला जाए तो दिए बंद हो जाते हैं, उनके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। और भगवान अमावस के दिन मोक्ष गए तो दिए जल गए। ये है निर्माण और निर्वाह का अंतर, है ना? कहाँ कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। होने में आवाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। गान सागर से, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बूंदी से, पक्ष में सुदी का, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर का, जबलपुर का, और कोई पुर वाले तो नहीं है, जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? कैलवाड़ा, खैरवाड़ा, अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, रहने के लिए बाड़ा का और आने वालों में खैरवाड़ा का।
बड़ा ही महत्व है। टड़ा, हाथ में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में टड़ा का, बड़ा ही महत्व है। खजूरी है उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का, बड़ा ही महत्व है। खजूरी, खजूरी, अच्छा पहले के समय में जूरी का, पहले जूरी होती थी ना, वो जो न्याय देती थी, पहले के समय में जूरी का, कलर में भूरी का और आने वालों में खजूरी का, बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पर झंडा का और आने वालों में बंडा का, बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। आप लोग कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से आए। अच्छा, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज भगवान का लड्डू जहाजपुर में चढ़ाने का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की जय।